हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सोविता अग्रवाल क्लासेस दिस इज़ सोविता अग्रवाल फाइनली सिलेक्टेड पी जी टी इंग्लिश टू थाउजेंड एंड करेंटली वर्किंग एज लेक्चरर इन डिस्ट्रिक्ट असैम्बली सो हमने अब तक नॉन नॉनफिनेटिव पर पढ़ी है एंड उसके दो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ एक तो इनफिनेटिव जे और आज का जो लेक्चर है वो पार्टिसिपल है पार्टिसिपल काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जर्नल जो बेसिक ग्रामर होती है इलेवंथ ट्वेल्थ नाइन टू ट्वेल्थ और हायर कम्पली कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो काफ़ी ध्यान से पढ़ना और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इससे कि पहले टॉपिक को स्टार्ट करें जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में एक बेल आइकन है और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आज का जो टॉपिक है वो नॉन फाइनाइट वर्क है नॉन फाइनाइट वर्क में पार्टिसिपल। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है अब पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्क दैट एंड्स आई एन जी ई डी ई एन टी ये पी बख्शी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है देखिए पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं प्रजेंट पास्ट परफेक्ट इसे मैं आपको एक जर्नल इजी लैंग्वेज में लेकर चलूंगा क्योंकि हाइर लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत आती रहती है सर आप इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं हिंदी में नहीं तो मैं दोनों लैंग्वेज को अच्छे से लेकर चलूंगा प्रजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले प्रजेंट पार्टिसिपल के देखिए कुछ कंडीशन और कुछ रूल्स जो होते हैं वो अच्छे से देख लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ध्यान रखना प्रजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा हिंदी में जब हम इनका अर्थ निकालते हैं तो करते हुए पर के कारण ये ऐसी आवाज इसमें आती है और दो कार्य लगभग इसमें समान चलते रहते हैं एक कार्य और दो कार्य इसमें दो कार्य दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन इसमें टाइम गैप नहीं होगा दो कार्य लगातार साथ में चलेंगे और टाइम गैप नहीं होगा अगर वाक्य में टाइम गैप होगा तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा दूसरा कार्य पहले का परिणाम होता है अब देखिए किस तरह है? अब इसी के ये जो वर्ड्स आपको बताए हैं इनके अलग अलग आपको टेंस बताऊंगा और इसका वॉइस किस तरह बनता है पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो भी आपको बताऊंगा देखिए पर के कारण इनसे इस वाक्य को बनाया जाता है ये वाक्य में प्रजेंट इन परजेंट पार्टिसिपल में इसका यूज होता है मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टाइम गैप नहीं होगा दो कार्य लगातार साथ साथ चलेंगे अब सबसे पहले कर का किस तरह यूज होगा सेंटेंस में शोर सुनकर मैं बाहर आ गया। शोर सुनकर मैं बाहर आ गया अब देखिए ये सुनकर जो है ये प्रजेंट पार्टिसिपल है तो देखिए शोर सुनकर इसमें टाइम गैप नहीं हुआ उसने शोर सुना और तभी वो बाहर आ गया तो टाइम गैप नहीं है दो कार्य लगातार समानांतर चल रहे हैं तो प्रजेंट पार्टिसिपल है तो उनका सुनकर हियरिंग द नॉइज आई अब बाहर आ गया आई केम आउट तो ये सेंटेंस बना हियरिंग द नॉइज ये पार्टिसिपल में बना हियरिंग द नॉइज फिर ये वाक्य जिस सेंस में होगा प्रेजेंट में है पास्ट में है परफेक्ट जिस भी सेंस में होगा उसी में से यूज करेंगे अब देखिए हुए ते हुए का कैसे बनेगा सेंटेंस स्कूल जाते हुए स्कूल जाते हुए मैंने एक पागल कुत्ता देखा देखिए इसमें भी टाइम गैप नहीं है दो कार्य समांतर चल रहे हैं वो स्कूल में जा रहा था लगातार तो उसी उसी, मतलब पागल कुत्ता देखा अब देखिए सेंटेंस में यही प्रजेंट पार्टिसिपली है करते हुए के कारण पर यह सेंस है तो सेंटेंस प्रजेंट पार्टिसिपल का है अब स्कूल जाते हुए गोइंग टू स्कूल आई सा ये सेंटेंस जिसमें भी होगा ऐसे ही बनाएंगे आई सा आ डॉ आई थिंक समझ में आ गया होगा अब पर का भी एग्जाम्पल देख लें पर कमरे में घुसते ही मैंने उसे सोता पाया देखिए इस सेंटेंस में घुसते ही कमरे में घुसने पर सॉरी कमरे में सेंटेंस होगा कमरे में घुसने पर कमरे में घुसने पर अब देखिए पर का यह वाक्य हो गया टाइम गैप नहीं है दो कार्य समांतर चल रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंट्रिंग एंट्रिंग, एंट्रिंग द रूम आई फाउंड पाया की फाउंड ही है आई फाउंड हिम उसे अब सोता हुआ या सोता तो ये भी प्रजेंट है आई फाउंड हिम स्लीपिंग ये भी प्रजेंट पार्टिसिपल है तो यहाँ पर भी स्लीपिंग एंटरिंग द रूम आई फाउंड हिम स्लीपिंग तो ये प्रजेंट पार्टिसिपल में अब एक और देख लें के कारण अब प्रजेंट पार्टिसिपल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहा कि जिसमें आपको ना पता हो के कारण के कारण गरीब होने के कारण गरीब होने के कारण वह किताब नहीं खरीद सका देखिए होने के कारण मैंने बताया अगर के कारण वाक्य आए तो वाक्य के कारण में हमेशा बिंग का प्रयोग करेंगे याद रखना बिंग का प्रयोग करेंगे और के कारण पार्टिसिपल में ही होगा बिंग पुअर बिंग पुअर गरीब होने के कारण इसकी बन गई देखिए के कारण का बिंग बताया बिंग पुअर ही कुड नॉट बाई बुक्स किताब ही कुड नॉट बाई बुक्स आई थिंक अब यहां पर आपके समझ में होगा एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये नोट करें अगर कोई क्रिया कोई क्रिया लगातार दो बार आ जाए तो वाक्य में उसमें व्हाइल का प्रयोग करेंगे देखिए क्रिया दो बार आ जाए आने पर वाइल और वर्ब में आई एन जी का प्रयोग करते हैं वाइल और में आईएनजी का प्रयोग करेंगे इसका एग्जाम्पल देखें पढ़ते 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 वह सो गई पढ़ते पढ़ते वह सो गई अब देखिए क्रिया दो बार आ गई है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही बनेगा क्रिया दो बार आ जाती है तो इसमें वाइल का प्रयोग करेंगे वाइल वायल रीडिंग सी सेलेक्ट वायल रीडिंग सी स्लेक्ट आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा अब परजेंट पार्टिसिपल का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो देखिए आपको ये जितने भी प्रजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है इनका अलग अलग आपको वॉइस भी बताऊंगा किस तरह यूज होता है वॉइस का वॉइस ऑफ प्रजेंट पार्टिसिपल वॉइस ऑफ प्रजेंट पार्टिसिपल ये बनेगा बींग इसमें यूज होगा बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है वॉइस तो जो भी होगा उसमें हमेशा थर्ड की फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज होगी वर्ब की और हमें इसमें या, याद रखना इसमें बींग का प्रयोग करेंगे एक सेंटेंस देख लें टीचर द्वारा दंडित होकर उसने स्कूल छोड़ दिया टीचर द्वारा दंडित होकर उसने स्कूल छोड़ दिया अब देखिए आप समझ गए होंगे होकर आ रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है हम पर तो वो वॉइस होगा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे बींग सबसे पहले हमें इसे ही बनाना है बींग पनिश्ड बाय द टीचर बींग किसके द्वारा टीचर के द्वारा बींग पनिश्ड बाय द टीचर ही लेफ्ट द स्कूल देखिए आपका प्रजेंट पार्टिसिपल जो है वो कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल पहले हमने प्रजेंट पार्टिसिपल की डिटेल में को डिटेल में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल अब जैसे हमें पहले हमें पता ही है सबसे ही पास्ट का मिन्स होता है जो गुजर चुका जो बीत चुका तो इसमें भी जो कार्य समाप्त हो चुका जो पास्ट की बात है उसी को यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में बताया गया है देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा जैसे प्रजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो रहा था इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा क्रिया में जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे उसमें जो सेंस होगी वो उसमें जो हिंदी में अर्थ निकलेगा हुआ हुई हुए, हुए ये लगा रहता है इसमें और किसी नाउन से पहले आकर किसी नाउन से पहले आकर ये नाउन की विशेषता बताता है ये एक एग्जेक्टिव का भी कार्य करता है कार्य समाप्ति की सूचना मिलती है देखिए इसमें कार्य की समाप्ति की सूचना मिलेगी अब पास्ट है तो कार्य तो समाप्त हो गई, तो कार्य समाप्ति की सूचना मिलती है पैसिव वॉइस इसका बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग किया जा रहा था इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करेंगे याद रखना अब देखिए इसके मैंने दो सेंटेंस निकाले हैं समझ लेना उसने मुझे टूटी हुई कुर्सी दी तो टूटी हुई कुर्सी जो है वो पहले ही टूट चुकी है तो पास्ट से रिलेटेड है और इसमें हुई भी आ रहा है और कुर्सी और किसी कुर्सी की विशेषता टूटी हुई कुर्सी कुर्सी की विशेषता बताई जा रही है कि वो टूटी हुई है तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनाएंगे ही गेव मी ए थर्ड फॉर्म ब्रोकन चेयर ही गेव मी अ ब्रोकन चेयर तो चेयर से पहले आकर नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताई और वर्ब की थर्ड फॉर्म घायल सिपाही अब सिपाही की विशेषता है घायल कि वो घायल है तो वाउंडेड यहां पर हो जाएगा वाउंडेड सोल्जर उंडेड सोल्जर डायड इन हॉस्पिटल वाउंडेड सोल्जर डायड इन हॉस्पिटल तो आई थिंक अब पास्ट पार्टिसिपेंट भी समझ में आ गया होगा अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वो है परफेक्ट पार्टिसिपेट ये थर्ड जो है वो है परफेक्ट पार्टिसिपेंट प्रजेंट हो गया पास्ट हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल प्रजेंट पार्टिसिपल के ऑलमोस्ट अपोजिट है परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए इसमें भी दो कार्य होंगे परजेंट पार्टिसिपल में भी दो कार्य होते थे इसमें भी दो कार्य होंगे एक कार्य पहले समाप्त होगा दूसरा कार्य कुछ देर बाद ध्यान रखना उसमें दो कार्य समांतर इक्वली चलते रहते थे इसमें एक कार्य पहले समाप्त होगा उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य समाप्त होगा इट मीन्स दैट विल बी अ टाइम गैप टाइम गैप होगा इसमें इसमें टाइम गैप होगा प्रजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप नहीं होगा तो यही सबसे अच्छी पहचान है कि प्रजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप नहीं होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई और जहां पर टाइम गैप होगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना उसमें तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई यूज होना था यहाँ पे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसमें जैसे उसमें कर पर ते हुए के कारण था और पास्ट पार्टिसिपल में हुआ हुई हुए जिसमें कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होता है और इसकी जो पहचान है वो है के उपरांत के बाद के पश्चात कर के तो जहाँ पर ये आएगा वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं इसके बिल्कुल सो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हैं खेत जोत करके या खेत जोत कर कर या खेत जोत करने के पश्चात किसान अपने घर लौट गए तो मतलब पहले खेत जोते फिर उसके बाद टाइम गैप हुआ फिर उसके पश्चात वे घर लौटे घर लौटने में और खेत जोतने के बीच में टाइम गैप था अपना गृह कार्य करने के बाद मैं सो गया तो दे इट्स ऑल्सो अ टाइम गैप अपना गृह कार्य करने के बाद तो उसमें टाइम गैप हुआ फिर वो सो गया तो दो कार्य लगातार नहीं चल रहे हैं तो यहां पर टाइम गैप है और वो दो वर्ड जो मैंने बताया करके के पश्चात के उपरांत अब सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा अब मैंने बताया हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहां पर सबसे पहले इसे यूज करेंगे हैविंग खेत जो होते हैं वो कहते हैं प्लॉट प्लॉट द फील्ड हैविंग प्लॉट द फील्ड द फार्मर्स फार्मर्स अब यहां पर वापस लौटने को क्या कहते हैं रिटर्न टू देयर होम हैविंग प्लोर द फील्ड फार्मर रिटर्न टू देर होम आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं है अब आप समझ गए होंगे सेंटेंस जो नेक्स्ट है वो अपने आप बनाने की कोशिश करें मेरे से पहले बनाने की कोशिश करें अपना ग्रह कार्य करने के बाद मैं सो गया तो के बाद के उपरांत के पश्चात वही सेंस है तो हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई स्लैम आई थिंक कोई डाउट नहीं है अब इसका वॉयस और देख लें पैसिव वॉइस कैसे बनेगा पैसिव देखे कैसे बनेगा इसका हैविंग पहले वही having फिर यहां पर आ जाएगा बीन और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका भी एक सेंटेंस बना लेंगे पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के पश्चात पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के पश्चात चोर बेहोश हो गए <laughs> बेहोश हो गए अब देखिए सेंटेंस बनाएंगे हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस मैंने बताया व इस तरह बनेगा हैविंग बीन कॉट बाय द पुलिस पॉलिस तो कौन हुआ था बेहोश चोर द थीफ बिकेम सेंसलेस अब आपके यहाँ पर पार्टिसिपल कंप्लीट हो गए हैं जो बेसिक पार्टिसिपिल था वो मैंने अब कंप्लीट कर दिया है आप देखिए एक छोटा सा एक माइनर डिफरेंस मुझे कई स्टूडेंट ने कहा था कि जेरेंड और पार्टिसिपिल में क्या डिफरेंस होता है वो देख लें देखिए जेर एंड एंड पार्टिसिपिल जेरन और परजेंट पार्टिसिपल को देखिए जेरन में भी वर में आईएनजी का प्रयोग होता है इसमें भी वर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है अब साइंस जेरन किस तरह होगा सोना Smoking is not good for health or present participle hearing the noise I came out. देखिए दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है अगर कोई एग्जाम में कहने लगे कि कोई कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन सा जेरन तो देखिए स्मोकिंग ये मैंने बताया था जेरन में होता है मींस ना नी ने और इसमें होता है कर पर ते हुए के कारण तो यहीं पे आप डिफरेंस अब क्रिएट कर लोगे ईजिली स्मोकिंग धूम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है करना धूम करना तो ये डिफरेंस हो गया हियरिंग द दोनों है सुनकर आई केम आउट मैं बाहर आ गया तो दोनों के सेंस में यही डिफरेंस है इसका मीन्स तो नानी ने से निकलेगा और इसका मीन्स निकलेगा कर पड़ते हुए के कारण जहां पर होगा ऊपर जेंट पार्टिसिपल और जेरेंड ये डिफरेंस है जेरेंड और पार्टिसिपल में अब देखिए पार्टिसिपल मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है नाउन के साथ जब पार्टिसिपल का यूज होगा तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा अब देखिए क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसकी डेफिनेशन एब्सोल्यूट फ्रेज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज अ काइंड ऑफ पार्टिसिपल विच विद नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर इट नाउन और प्रोनाउन जब पार्टिसिपल से पहले यूज होते हैं तो उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं देखिए वाक्य अब तक हमने प्रजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल जो भी पढ़े और उसमें दो अगर दो वाक्य थे तो दोनों का सब्जेक्ट एक ही था दोनों का सब्जेक्ट एक ही था पहले हमने पार्टिसिपल बना देते थे, थे प्रजेंट पार्टिसिपल फिर उसी का सब्जेक्ट यूज होता था आगे भी जैसे हियरिंग द नॉइज आई केम आउट मैंने शोर सुना और मैं ही बाहर आ गया तो मतलब दोनों के सब्जेक्ट दोनों के सब्जेक्ट जो हैं वो सेम थे तो वो थे पार्टिसिपल प्रजेंट पार्टिसिपल में भी ऐसे ही होता था परफेक्ट पार्टिसिपल में भी ऐसे होता था लेकिन नॉमिनेटिव ऑफ में डिफरेंस क्या होगा दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो होंगे वो अलग अलग होंगे अगर दो वाक्य हुए एक वाक्य के बीच में कोमा होगा जैसे कि अब तक हो रहा था तो जो दोनों भी वाक्य होंगे कोमे से पहले वाला और बाद वाला मुख्य वाक्य और नॉमिनेटिव ऑब्सलूट वाला दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे एक में कारण और दूसरे में उसका परिणाम दिया हुआ होगा अब इसके दो सेंटेंस देख लें कॉल इज बींग ओवर बॉयज वेंट होम कॉल इज ओवर होने के कारण रूल तो दोनों में वही यूज होंगे जो प्रजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में थे अगर टाइम गैप है तो हैविंग और व की थर्ड फॉर्म टाइम गैप नहीं है तो बींग का प्रयोग करेंगे आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो रूल तो वही चलेगा लेकिन अंतर क्या होगा दोनों के सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंस हो जाएंगे और टाइम देखिए कॉल इज बिंग ओवर कॉल इज ओवर होने के कारण बॉयज होम लड़के घर चले गए तो इसमें एक में कारण दूसरे में परिणाम और दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं समझ गए होंगे द सन हैविंग राइजन वी लेफ्ट द टाउन अब इसमें भी ये भी सब्जेक्ट अलग है ये भी सब्जेक्ट अलग है तो नॉमिनेटिव ऑब्सल्यूट तो सूर्य निकलने के पश्चात वी लेफ्ट होम सॉरी वी लेफ्ट टाउन हमने टाउन को छोड़ दिया तो दोनों के सेंस अलग एक में कारण दूसरे में परिणाम आई थिंक अब नॉमिनेटिट आपके कंप्लीट आप समझ गए होंगे अब देखिए अब इससे अगला जो टॉपिक होगा वो होगा किस तरह हम पार्टिसिपल को डिफरेंट क्लॉज में एडवर्ड क्लॉज में हम चेंज कर सकते हैं उससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आप यहाँ पर अब अच्छे से देखना नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपल कैन बी चेंज इन द फॉलोइंग क्लॉज देखिए सब क्लॉज है एडवर्ब ad, क्लॉज जो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता ही है पहले आपको ही चुका हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कंडीशन रीजन एडजेक्टिव क्लॉज कंट्रास्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज ये सब जो क्लॉज हैं इन सब को हम पार्टिसिपल से रिप्लेस कर सकते हैं को सर्टेन हमें प्रीपोजिशन लगानी होती है एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस दे देते दे हैं परफेक्ट का वो पार्टिसिपल का सेंटेंस दे देते दे हैं और कहते हैं कि इसे सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए हमें कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी होगी तो चार प्रीपोजिशन दे देते हैं तो वही यहाँ पर अब चीज़ क्लियर होगी एज आई वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड अब वाइल वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड देखिए जो ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस एडवर्ब क्लोज का है और हमें पार्टिसिपल से इसे रिप्लेस करना है एज अगर कहीं पर आया है ध्यान रखना कहीं पर अगर एज आया है और उसे हम प्रजेंट पार्टिसिपल से प्रेस कर रहे हैं उसमें प्री पोजिशन जो सुटेबल रहेगी वो रहेगी वाइल जैस जब एज आई वॉज wandering द स्ट्रीट आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड जब मैं स्ट्रीट में घूम रहा था मैं अपने मित्र से मिला वाइल wandering घूमते हुए इसका मीन्स ये हो जाएगा घूमते हुए स्ट्रीट में घूमते हुए आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स देखिए ये तो एडवर्ब क्लास होगी और ये हो गया यहाँ पर इसका प्रजेंट पार्टिसिपल में रिप्लेस देखिए आफ्टर कहीं पर आए अगर कहीं पर भी आफ्टर आए तो ध्यान रखना हमें परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करना है परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था उसकी पहचान ही होती है सॉरी के बाद के पश्चात के उपरांत तो उसे हम इंग्लिश में आफ्टर भी कहते हैं कहीं पर आफ्टर आया है और आफ्टर में एडवर्ड क्लॉज आई है तो याद रखना हैविंग का प्रयोग करेंगे अगर कहीं पर देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने यहाँ पर हैविंग का प्रयोग किया हुआ है अगर हम उसे एडवर्ड क्लॉज में ट्रांसलेट करना है बदलना है तो आफ्टर एक सुटेबल कंजक्शन रहेगी याद रखना आफ्टर रहेगी परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए वहन सी सामी सी कॉल्ड मी जब उसने मुझे देखा सी कॉल्ड मी इट मीन्स मुझे देखने पर मुझे देखने पर सी कॉल्ड मी तो यहाँ पर कहीं पर वैन आ रहा है तो उसे रिप्लेस किया जाएगा सुटेबल प्रीपोजिशन होगी ओन ओन और वैन को एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे अगर ओन आ रहा है प्रजेंट पार्टिसिपल में तो परफेक्ट सो प्रजेंट पार्टिसिपल में तो एडवर्ड क्लॉज हम वैन वाली बनाएंगे वैन और ओन आफ्टर और परफेक्ट पार्टिसिपल एज आ रहा है तो वाइल ये सब सुटेबल प्रीपोजिशन है इन सबको आप याद करना एस पी बख्शी की बुक में से ये मैंने रेफरेंस लिया हुआ है आप जब उसे अच्छे से देखोगे एक दो बार तो आप अच्छे से समझ जाओगे नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बाई विदाउट बट फोर इनका इसमें यूज करना है बाई विदाउट बट फोर का हम किस तरह पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं वो इसमें बताया जा रहा है किस तरह एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन को जब हम पार्टिसिपल से रिप्लेस करेंगे या पार्टिसिपल से एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन को रिप्लेस करेंगे तो उसमें बाई विदाउट और बट फोर की क्या भूमिका रहने वाली है क्या रोल होने वाला है वो देखेंगे इफ़ यू गो आउट यू विल कैच यू विल कैच कॉल्ड यदि तुम बाहर जाओगे तुम्हें ठंड लग जाएगी तो बाई गोइंग आउट अब ध्यान रखना कहीं पर अगर इफ़ आ रहा है तो उसे रिप्लेस करेंगे बाई से बाय से रिप्लेस करके हम पार्टिसिपल बनाएंगे या बाय से रिप्लेस किया हुआ कहीं पर बाय से लगा हुआ प्रीपोजिशन आ रहा है और उसे हमें एडवर्ड क्लॉज में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे इफ़ का इफ़ और बाय याद रखना इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास अगर इफ़ नोट आ रहा है इफ़ नोट को हम अनलेस भी कहते हैं अगर अनलेस आ रहा है या इफ़ नोट आ रहा है तो याद रखना यूज होगा विदाउट तो इफ़ यू डोंट वर्क हार्ट यू विल नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ट यू विल नॉट पास तो यहां पर आ गया विदाउट यहां पर यूज होगा विदाउट इफ के साथ अगर नोट आ रहा है या अनलेस का प्रयोग हो रहा है या ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास अब यहाँ पर अगर कहीं पर हेड नोट का प्रयोग हो रहा है याद रखना हेड नोट का अगर कहीं पर प्रयोग हो रहा है हेड नोट का मीस और बट फोर से रिप्लेस करेंगे बट फोर और हेड नोट दोनों एक दूसरे का सबसे हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं अगर सेंटेंस में इफ वाले में हेड नोट आ रहा है तो यूज़ करेंगे हम सिंपल सेंटेंस जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का बनाएंगे जब पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो बट फोर का यूज़ होगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट आया हुआ है टी में भी आया हुआ है ये और ये भी पॉइंट टी में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है अच्छे से स्टडी करना अब नेक्स्ट एडवर्ड क्लोज ऑफ कंडीशन क्लोज ऑफ रीजन रीज़न का हमें पता ही है कारण ये हम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और इस सेंटेंस से जब हम रिप्लेस करेंगे पार्टिसिपल या पार्टिसिपल से इस सेंटेंस को एडवर्ड क्लाज ऑफ रीजन को रिप्लेस करेंगे तो अइंग टू बिकॉज ऑफ ओन अकाउंट ऑफ ये सब जितनी भी प्रीपोजिशन हैं ये सब सजेस्ट करती हैं रीजन को ही अब एक एग्जाम्पल देख सकते हैं एस सी रेन वेरी फास्ट सी हैज एबल टू ओवरटेक मी ऑन अकाउंट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है कारण रनिंग फास्ट तेज दौड़ने के कारण सी हॉज एबल टू ओवरटेक मी वो एबल हुई मुझे ओवरटेक करने के तो ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे तो ऑन अकाउंट ऑफ की जगह यहाँ पर बिकॉज ऑफ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ रनिंग वेरी फास्ट ही वॉज एबल टू ओवरटेक मी या तो कोई सी भी यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं तो रीजन जहां पर भी आएगा तो ये सुटेबल प्रीपोजिशन है नेक्स्ट है एडवर्ड क्लोज ऑफ एडवर्ड क्लोज ऑफ कॉन्ट्रेस्ट कॉन्ट्रास्ट का मैंने आपको बताया था जब ऑपोजिट स्टेटमेंट हो जैसे आई वर्क हार्ड दो आई वर्क हार्ड आई फेल्ड यद्यपि मैंने कठिन परिश्रम किया था फिर भी मैं फेल हो गया तो इस तरह के जब कॉन्ट्रास्टेड जहाँ पर बात हो वो होता है एडवर्ड क्लाउज ऑफ कंट्रास्ट। उसमें हमें आपको बताया था आल दो का प्रयोग करते हैं दो का प्रयोग करते हैं नो मैटर वाट ये इस तरीके के काफ़ी काफ़ी सारी एडवर्ड क्लोज थी वो जिस तरह हमने बताया था आपको लेकिन यहाँ पर हम अब प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं तो इनके लिए एडवर्ब क्लॉज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट के लिए जो सुटेबल प्रीपोजिशन होती हैं वो इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट नाउ विद स्टैंडिंग फॉर ऑल ये सब प्रीपोजिशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऑल्दो सी केम लेट सी वाज नॉट पनिश्ड तो इस सेंटेंस को इस तरह बना सकते हैं इन स्पाइट ऑफ इन ऑफ कमिंग लेट का मतलब होता है बावजूद लेट आने के बावजूद सी वाज नॉट पनिश्ड ठीक है सेंटेंस तरह बना अब इसे डिस्पाइट डेस्पाइट भी यूज कर सकते हैं ध्यान रखना डेस्पाइट के साथ एग्जाम में कई बार होता है कि डैसपाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं लेकिन ध्यान रखना डेस्पाइट हमेशा सिंपल और अकेला ही यूज होगा तो इन स्पाइट ऑफ कमिंग लेट लेट होने के बावजूद भी सी हाज नॉट पनिश्ड आई सा ए गर्ल एडजेक्टिव क्लॉज है ये ए गर्ल इसकी विशेषता बताई जा रही है लड़की की तो एडजेक्टिव क्लॉज को इस तरह बनाएंगे आई सा ए गर्ल सिंगिंग ए सॉन्ग बस ये यहाँ से हटा देंगे सिंगिंग ए सॉन्ग ये यहाँ से ऐसा ए गर्ल मैंने एक लड़की को देखा गुनगुनाते हुए सुन गाना गाते हुए तो इस लड़की की विशेषता बताई जा रही है इसके बाद ही यहाँ पर ये सेंटेंस स्टार्ट कर दिया हमने पार्टिसिपल का अब कोऑर्डिनेट क्लॉज किस तरह बनेगी ही रिटर्न एंड ही वाज स्माइलिंग ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज ये भी इस तरह ही हम बना सकते हैं ही रिटर्न स्माइलिंग वह मुस्कुराते हुए वापस आया यहाँ पर अब आपका किस तरह हम पार्टिसिपल में किस तरह यूज़ करते हैं क्लोज़ को वो आपको मैंने आप बताया अब जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख लें मिस रिलेटेड और अन रिलेटेड ये जो पॉइंट है पार्टिसिपल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल देखिए पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था प्रजेंट पार्टिसिपल में भी और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी मैंने बताया था कि दोनों के सब्जेक्ट सेम ही होते हैं दोनों के सब्जेक्ट सेम ही होते हैं जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हियरिंग द नॉइज आई केम आउट आई केम आउट हीयरिंग द नॉइज़ आई केम आउट तो हियरिंग किसने आवाज़ सुनी आई ने मैंने मैंने आवाज़ सुनी और मैं ही भारा गया तो so, दोनों के सब्जेक्ट्स जो हैं एक है तो ध्यान रखना पार्टिसिपिल में सब्जेक्ट जो पहले वाले में होगा वही दूसरे वाले में होगा सिर्फ नॉमिनेटिव ऑब्सल्यूट सिर्फ ऐसा होगा जिसके सब्जेक्ट चेंज होते हैं पार्टिसिपिल में दोनों के सब्जेक्ट एक ही होंगे अब इन सेंटेंस को देख लें वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट अ डोग बाइट हिम वॉन्ड्रिंग इन द स्ट्रीट अ डोग बाइट हिम अब देखिए स्ट्रीट में घूमते हुए एक कुत्ते ने अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है डॉग दिया हुआ है इट्स का मीन्स क्या है कि यहाँ पर भी ही होना चाहिए तो स्ट्रीट में डॉग नहीं घूमता स्ट्रीट में घूमते हैं व्यक्ति यहाँ पर व्यक्ति के लिए यूज है क्योंकि डॉग ने इसे काटा हिम को और यही घूम रहा था यही पार्क में घूम रहा था तो दोनों में अब इस सेंटेंस में हिम को आगे करने के लिए हमें क्या करना होगा या तो इसका पैसिव बना या यहां हाँ पर इसकी सेंस चेंज कर दें तो पैसी बनाना ज्यादा सुटेबल रहेगा अब सेंटेंस को देखिए इस तरह आप समझ जाएंगे सही होगा वॉन्ड्रिंग इन द स्ट्रीट ही वाजन बाय अ डोग अब देखिए ये सेंटेंस ये सेंस बिल्कुल अब इसमें सही निकल रही है वॉन्ड्रिंग इन द स्ट्रीट अब यहाँ पर भी ही ही है यहाँ पर ही ही है अब वो ही घूम रहा था और उसे कुत्ते ने काट लिया तो सब्जेक्ट एक जगह यूज किया दोनों के सब्जेक्ट अब सेम हो गए इस तरह वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्कूटर नोकड हिम डाउन वॉकिंग अलोंग द रोड रोड के साथ घूमते हुए स्कूटर स्कूटर थोड़ा ना रोड के साथ घूम रहा है घूमने का काम कौन करता है मनुष्य तो इसका मीन्स तो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है स्कूटर यहाँ पर भी यही सब्जेक्ट है पार्टिसिपिल मैंने आपको बताया कि दोनों के सब्जेक्ट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के सब्जेक्ट जो होंगे वो सेम होंगे तो यहाँ पर भी स्कूटर होना चाहिए यहाँ पर भी अब यहाँ पर इसकी सेंस सही नहीं जमरी तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वॉकिंग अलोंग द रोड वॉकिंग अलोंग द रोड ही वॉज अब यहां पर भी पैसिव बना दें। ही वॉज knocked डाउन बाई अ स्कूटर अब देखिए सेंस सही होगी अब वॉकिंग द रोड यहां पर भी ही है और यहां पर भी ही है दोनों के सब्जेक्ट अब सेम हो गए हमें दोनों के सब्जेक्ट जो है सेम करने अनरिलेटेड या मिस रिलेटेड नहीं होने चाहिए इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं ये दोनों को वॉकिंग अलोंग द रोड स्कूटर नोट हिम डाउन वाइल आई वाज वॉकिंग अगर इस सेंटेंस को बना दें वाई आई वाज वाइल आई वाज वॉकिंग अलोंग द रोड आई स्कूटर नोक हिम डाउन ये सेंटेंस अब एक तरीके से अब इसकी सेंस चेंज हो जाती है इसमें यह पार्टिसिपल नहीं रहता जैसे अगर ऐसे बनाएंगे बींग क्लाउडी वी एंजॉयड पिकनिक अब वी थोड़ा ना क्लाउडी है क्लाउडी तो एटमोस्फियर होता है तो यहां पर इट का प्रयोग करेंगे ऐसे नॉमिनेटिव ऑब्सल्यूट में बनाएंगे इट बींग क्लाउडी वी enjoyed पिकनिक देखिए अब इट बींग क्लाउडीड पिकनिक ये क्लाउडी अब जाबर भी एटमोस्फेयर की बात होगी तो उससे पहले इट का प्रयोग करेंगे और बींग का प्रयोग करेंगे बींग ऑनेस्ट अ टीचर रिवार हिम अब ऑनेस्ट कौन होगा स्टूडेंट ही तो ऑनेस्ट होगा तो टीचर ने उसे रिवार्ड दिया तो यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट टीचर तो यहां पर टीचर तो नहीं होना चाहिए यहां पर होना चाहिए ये लड़का तो इस लड़के को यहां पर सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे फिर वही पैसिव बना देंगे सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो बींग ऑनेस्ट बींग ऑनेस्ट ही है बाय टीचर अब दोनों के सब्जेक्ट जो हैं सेम हो गए तो यहां पर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको अब आप देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें भले ही मिस रिलेटेड हो जाए तो उसमें चल जाता है कौन कौन से वे वर्ड हैं वो आप नोट कर लें रिगार्डिंग रिगार्डिंग कंसिडरिंग रिगार्डिंग कंसिडरिंग स्पीकिंग speaking, speaking, और फिर कंसर्निंग ये ऐसे वर्ड हैं इनके साथ मिस रिलेटेड पार्टिसिपिल चल जाता है याद रखना इनके साथ मिस रिलेटेड पार्टिसिपिल चल जाएगा तो अब यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया अब आप इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप और इजी से समझ लेंगे तो आपका अब ये पार्टिसिपल जो है आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा और बहुत ज्यादा मैंने आपको इसमें डीपली बताया और डिटेल में भी बताया अब जर्नल से मतलब एक तरीके से बेस से लेकर और हाइयर लेवल तक आपका पार्टिसिपल अब कम्प्लीट हो चुका है और आप बुक में जाकर अब एस पी की बुक है उसमें ही आप इसकी एक्सरसाइजेज करें और फिर इसमें जो रूल्स हैं उसे एक बार और स्टडी करें वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लें तो आपको वी वीडियो तो आपका जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और फिर से वही एक और रिक्वेस्ट कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन आल्सो तो आने वाले वीडियो का ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू वेरी मच दिस इज़ सॉ भी थैंक यू